हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पनीर भुर्जी और इसे हम बनाएंगे केवल 5 मिनट में सबसे आसान तरीके से। और एक नए स्वाद और फ्लेवर के साथ पनीर भुर्जी की यह टेस्टी सब्जी बनाने के लिए सविता की रेसिपीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल अपनी पसंद की आप कोई भी ले सकते हैं। और जब वह गर्म हो जाएगी तब उसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब क्रैकल हो जाएगा तब उसमें हम चॉप किए हुए 2 बड़े साइज के प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और जब वह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब उसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर डालकर मिलाएंगे। और उसके बाद उसमें डालेंगे पेस्ट की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। मसालों के साथ इसे भी अच्छे से भूनेंगे। और जब ये अच्छे से भून जाएगी तब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, उसे भी डालकर हल्का सा भूनना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए डालेंगे और साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल करके थोड़ा सा इसे भून लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी। पानी डाल करके हमें टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से पका लेना है ताकि टमाटर गल जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो अभी ये देखिए ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किए हुए पनीर। तो पनीर को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। यह लगभग 250 ग्राम पनीर है। आप इसे चाहे तो हाथों से तोड़ के या क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम डाल करके मिला लेते हैं। इस तरह से पनीर भुर्जी बनाएं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। और इसे मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, जिसे बीच से मैंने कट कर लिया है। और इसे डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल ले वरना स्किप कर दें। बस इसे डालकर मिला लेंगे और ढक्कन लगा करके इसे लगभग हम 5 मिनट कुक करने के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट बाद देखिए हमारी पनीर भुर्जी बनकर रेडी है। बस इसमें डाल लेते हैं ढेर सारे धनिया के पत्ते और मिला करके इसे सर्व करें पूरी, पराठे और नान के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से यह बन करके तैयार होती है दोस्तों। तो आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।